अपराधी है तो अपराधी है, अगर वो बलात्कारी है तो बलात्कारी है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग आज एक अलग लाइन खींच रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो भगवा ध्वज को लहराती है और गलत काम करती है, इसलिए कह रहे हैं कि बेशरम है, इसलिए अपनी बेटी पैदा किया जनसंघ को और जनसंघ के नाम से राजनीति किया, उसको भी खत्म करके भाजपा पैदा किया। वो तो आदत ही पड़ गई है, आप कुछ भी अच्छा करो हम बुरा ही कहेंगे। जो गलत करेगा उसके लिए गलत होगा जी, बुलडोजर भी चलेगा, क्रेन भी चलेगी। उत्तर प्रदेश की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा कल से शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने लगातार जो है मन से भी जो है इस यात्रा का आह्वान किया और लगातार ये यात्रा अब चलते हुए आगे जा पहुंची है। और ये बागपत, आज उत्तर प्रदेश के बागपत में मैं मौजूद हूँ, यहाँ की जनता मौजूद है जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करती हुई आ रही है। तो क्या नाम है आपका? शेखू खान। शेखू खान जी कहाँ से आए हैं? जिला मऊ उत्तर प्रदेश। मऊ से आए हैं, तो मऊ से आने का क्या कारण है ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का? कारण हमारे नेता जब सड़क पे उतर चुके हैं, संघर्ष कर रहे हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, बेरोजगारी पे, इसी की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ नेताजी का साथ देने, श्री राहुल गांधी जी का साथ देने यहाँ आए हैं। अच्छा, तो ये जो बेरोजगारी और महंगाई ये सब आप बात कर रहे हैं, ये तो रात दिन जो है मीडिया भी दिखाता है, मोदी जी भी बोलते हैं, यही तो मेन मुद्दा है, यही तो आवाज हम लोग उठा रहे हैं, इसीलिए हम लोग सड़क पे आए हैं। वो तो बता रहे हैं कि भैया बेरोजगार कोई नहीं है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कौन बता रहा है? मीडिया बता रही है। मीडिया किसकी है? किसकी है बताइए, मीडिया किसकी है? किसकी है ये तो आप बताइए, आप भी तो जानती हैं। कुछ ही चैनल ऐसे हैं जो निष्पक्ष बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, गिने चुने चैनल। टीवी मीडिया देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हाँ, तो क्या दिखता है उसमें? जो दिख रहा है वही तो बता रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रमन पांडे है। रमन पांडे जी कहाँ से आए हैं? ये मैं मऊ से आया हूँ। मऊ से आए हैं आप भी, तो यहाँ पे जोड़ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का क्या मकसद है और क्या मतलब है? देखिए, राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर के उनको कश्मीर तक जाना है, इस देश में देखा जाए तो 2014 में जो सरकार आई उस सरकार ने बहुत बड़े सपने दिखाए थे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, किसानों की जो फसल का दाम है दूना करेंगे और हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 8 साल सरकार हो गई, 16 करोड़ अभी तक नौकरियां मिल जानी चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये हमारे हम नहीं कह रहे हैं, यह एमएस की आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। और बेरोजगारी है वाकई? जी जी। तो कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं बेरोजगारी है ही नहीं? देखिए क्या है कि आज इस सरकार ने चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, एक मीडिया, कुछ जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसको आज बरगला के और टीवी पे झूठ परोसा जा रहा है रात दिन। वह जो है सरकार पब्लिक के कुछ मुद्दे और हैं, और वह एक जिसको गोदी मीडिया नाम दिया गया है उसको। कितना पढ़े लिखे हैं जी? कितना पढ़े लिखे? ग्रेजुएशन हूँ, साइंस ग्रेजुएट है जी जी। तभी मीडिया की बात को पकड़ रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है ना कि इसके पहले भी सरकारें थी, लेकिन इस तरह से सभी इंस्टीट्यूशन पे उनका कब्जा नहीं था, अपने ग्रिप में आज ले रखा है, चाहे वह जुडिशियल हो, चाहे वह मीडिया हो। आप तमाम देखिए PSU भी बिकते जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार एक से एक सर। अच्छा ये बताइए आपका जुड़ने का मकसद क्या है? हमारा जुड़ने का मकसद है कि राहुल गांधी जी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, आज देखा जाए तो बहुत सालों के बाद कोई राजनेता आज भारत के सड़कों पे निकला है और जनता उसके साथ जुड़ रही है। मुद्दा इससे पहले चंद्रशेखर भी जी जी निकले थे, तो आप देखिए ना चंद्रशेखर जी कब निकले थे, आज कितना गैप हो गया। कोई राजनेता क्या मिलना चाहता है आम पब्लिक से? राहुल गांधी जी आज मिल रहे हैं आप लोगों से? मिले जी बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है? बिल्कुल मिलेंगे। इरफान अहमद। कहाँ से आए हैं? मऊ से। अधिकतर मऊ से ही हैं आप? जी, 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 हाँ, जी, तो क्या है मकसद जुड़ने का? बहुत परेशान किया जा रहा है क्या मुस्लिमों को? परेशान तो शुरू से देखा ही जा रहा है, मुस्लिमों को ही किया जा रहा है, ये बता रहे हैं। मैं आज देखिए जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, आप जो भाजपा सरकार के मंत्री हैं, भारत के संविधान का शपथ लेते हैं और अलवर में एक घटना होती है, झारखंड में घटना होती है, और वित्त मंत्री, मैं नाम लेके बताना चाहिए, यशवंत सिन्हा के बेटे ने
उनको गिरफ्तार किया जाता है, जो लोग अपराधी थे जो, और जब जेल से छूटते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है। बल्कि इस बानो के केस में आप देख लीजिए ना कि कोर्ट उनको पेरोल पे छोड़ती, उनकी सजा को माफ कर, माला पहनाई जा रही थी, लेकिन माला संस्कारी है ना वो भाई, संस्कारी पहनाया गया। तो आप किस तरह का देश में माहौल खड़ा करना चाहते हो भाई? अपराधी है तो अपराधी, अगर वो बलात्कारी है तो बलात्कारी है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग आज एक अलग लाइन खींच रहे हैं कि जो लोग दोषी हैं उनके भी साथ खड़े हो रहे हैं, माला पहना रहे हैं। यहाँ तक कि लोग तो कह देते बलात्कारियों का सम्मान करते हैं। या किस तरह का वातावरण, तो जिस तरीके से आज देश में, पूरे देश में नफरत का माहौल है, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, इस पे आज प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। आज एक रंग को लेकर के कुछ लोग देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, भगवा को बेशरम बताया जा रहा है ना, भगवा रंग को। नहीं देखिए, बेशरम देखिए क्या है मूवी, इससे पहले आप मनोज तिवारी, मनोज तिवारी का मनोज तिवारी ने गाना गाया, आप ही बात करते रहेंगे, किसी को बात करने का मौका नहीं देंगे। हाँ चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। आपने भगवा को बेशरम कहा, भगवा बेशरम नहीं है, बताया जा रहा है भगवा को बेशरम बताया। भगवा को बेशरम इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान सरकार जो भगवा ध्वज को लहराती है और गलत काम करती है, इसलिए कह रहे हैं ये बेशरम है, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जा रहा है। हाँ इसीलिए कहा, उनका रंग है, उनको फिर गलत बात, संतों का रंग है, उनका रंग, उनका संतों का रंग है, गौतम बुद्ध का रंग नहीं बोलते है ना वो, गौतम बुद्ध का रंग नहीं है, उनका गौतम बुद्ध का रंग नहीं है, रंग का ठेका किसी ने नहीं, कैसे उनके ठेकेदार है, अगर ये ठेकेदार है, जानती हैं आप आज किसकी सरकार, भाजपा की, भाजपा किससे पैदा हुई है, जब जनसंघ हमारी है, जनसंघ को किसने पैदा किया, आरएसएस ने, आरएसएस ने इसने पैदा किया कि वो राजनीति करने के लिए अपना माफी मांग चुकी, राजनीति में भाग नहीं ले सकती, इसलिए अपनी बेटी पैदा किया जनसंघ को और जनसंघ के नाम से राजनीति किया, उसको भी खत्म करके भाजपा पैदा किया है जनसंघ में, ये भाजपा की नानी जो है आरएसएस, इसमें है कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी, सही तो छोड़ दो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मिलेंगे। इंडिया गेट पर जाकर दिल्ली में देख लीजिए, जिसमें लगभग सुनिए, आर्मी के कमांडो और आर्मी से कंपैरिजन करते हैं कि भैया स्वतंत्रता सेनानी है वो। मैं कह रहा हूँ वही तो झूठ रहा है ना, उनका झूठ परोसा जा रहा है, झूठ को अभी मैं बोल रहा हूँ ना, दिल्ली में इंडिया गेट है, उसमें शहीदों का नाम लिखा है, उसमें 2/3 मुस्लिम है, इतनी शहादत देने के बाद मुसलमान गद्दार होता है या गद्दार गद्दार होता है, गद्दार गद्दार है और चाहे जो हो, गद्दार गद्दार होता है चाहे जो हो, मुसलमान का एक गलती करते तो आप मुसलमान को कहेंगे, उनकी इतनी शहादत को नहीं याद करेंगे, गलती अभी सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, सारी ताकत आपके पास है, इतनी उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटी है, क्या किया उस घटनाओं पे, अपनी जिम्मेदारियां निभाई सरकार ने, कहते हैं कि गहना पहनकर महिलाएं निकल चुक सकती है रात में, जबरदस्ती मत बोलो मैडम, मत बोलो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और वर्तमान सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है, और ये जो कहते जाए वो हो जाए। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी निभाएंगे वर्तमान? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी वही तो कह रहे हैं ना, भारत जोड़ो क्या है, भारत जोड़ो यही है, जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, नफरत बढ़ा रहा है, जिससे भारत में भारतीयता मानवता को आघात पहुंच रहा है, उसी को ठीक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया भारत टूटा ही कहां है, जो जोड़ने की बात है, क्या होता है, तोड़ चुके, तोड़ दिया अभी, तोड़ा नहीं है, इतना नफरत की धारा बहा रहा है। रामकिशोर सिंह पटेल जी कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए हैं जी, कवर कर रहे हैं पूरी यात्रा को, कवर कर रहे हैं। हाँ। मैं इसी यात्रा को अंतिम अंजाम तक पहुँचाने जितना हाँ। भारत तक हो सके पूरा प्रयास करूंगा। हाँ। कोई काम नहीं है मुश्किल, बस करो ही ज्यादा पक्का मैडम। क्या उम्र होगी आपकी? 58 है, चल रहे हैं जोश से, बिल्कुल चल रहा है, कड़ाके की पढ़ने दीजिए राहुल जी, देखिए क्या वो तो एक टी शर्ट पहन के चल रहा है, टी शर्ट पे भी तो उंगलियां उठा दी, अरे देखिए 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 देखिए, अगर वो किसी धर्म को मानते हैं हा? और अपनी माँ का सच्चे संतान हो तो राहुल जी की अच्छाई को बोल सके, वो तो आदत ही पड़ गई है, आप कुछ भी अच्छा करो हम बुरा ही कहेंगे। अच्छा, तो
उन्हें आदत पड़ गई है बुराई करने की। नहीं पड़ी होती अगर राहुल जी टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, उन्होंने बुरा क्या है, बुरा क्या है, क्यों उंगली उठ रही है, तो आदत नहीं है तो क्यों उठ रही है। उनको तो ये होना चाहिए, गांधी जी ने एक धोती में पूरा उजाला, गांधी जी दरिद्र नहीं थे, गांधी जी ने भारत के दरिद्र लोगों को देखा था, उनको अपना माना था, इसलिए उनके साथ खड़ा होने के लिए एक धोती में नहाते भी थे, पहनते भी थे। तो राहुल जी अगर टी शर्ट पहन रहे हैं तो 10 लाख का सूट पहन के उनको दर्द हो रहा है, 10 लाख का सूट पर डे बदल रहा है, राहुल जी तो एक टी शर्ट में चल रहे हैं, तो राहुल जी भारत के और भारतवासियों के लिए क्या सोचते हैं, अब वर्तमान देश का प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री है ना इसलिए महंगा सूट पहनते हैं। भाई वाह वाह, किसके पैसे कमाना है, किसके पैसे कमाना है, जो जनता टैक्स देती है उसी पैसे को तो खर्च करती है सरकार, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं कितने, देखिए जानते आप सब हैं, बस सवाल इतना है कि हम विपक्ष में हैं तो हमारी बात आप बोलते हैं, वो सत्ता पक्ष में हैं तो उनकी सही बात तो बोलते ही नहीं, उनकी खराब बात को आप बताते नहीं। अब आप या सरकारी अधिकारी तंत्र है वो कुछ सच ना बोलने के लिए मजबूर है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से आए हैं, वाह, प्रयागराज की धरती तो बड़ी मशहूर है, तो वहाँ की धरती से आप यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गए हैं? अरे ये उत्तर प्रदेश ही तो है, उत्तर प्रदेश ही तो है, लेकिन यहाँ बागपत में आ गए हैं ना? से लेकर के देवरिया तक सब उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ बागपत में आ गए, माफ कीजिएगा, तो बागपत में आ गए तो वहाँ पे इंतजार कर लेते थोड़ा। नहीं, वहाँ पर जब यात्रा जाएगी तो इसी तरीके से वहाँ भी हम स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे और संघर्ष करेंगे, और यहाँ भी चूंकि यात्रा वहाँ पर नहीं जा रही थी इसलिए हम लोग यहाँ पर उनके समर्थन में उनके साथ संघर्ष करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में 2024 का कुछ फेर बदल होगा? होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा, भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। तमाम लोगों की तो यही राय है, बाकी लोग मुस्कुरा रहे हैं बड़े खड़े होके, जेब में हाथ डाल रखी, ठंड लग रही है? नहीं, ठंड नहीं लग रही जी, मुस्कुरा तो मैं इसलिए रहा, झूठ, इतने बड़े बड़े आदमी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा? कुछ नहीं होने का, भारत जोड़ो यात्रा करो चाहे कुछ ही करो, कुछ नहीं, कुछ नहीं होने का, देख लिया जी, अंकल जी देख लिया, देख लिया अंकल जी, देख लिया, देख लिया, सब कुछ देख लिया। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। किसानों के साथ, अगर किसानों के साथ ये जा सकते हैं तो किसान जिसके लिए काम करता है इस देश का जिम्मेदार आदमी क्यों नहीं जा सकता? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार है जी मेरा नाम जी, जो सही था। कहाँ से आए हो? मैं, मेरा गांव यही शिकोपुर है, पास में यूपी में, इधर कहीं है बागपत के। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जी, अगर जो सही तरीके से काम करते, 70 साल हो गए जी, सही तरीके से काम करते तो ये रोड पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, ठीक है जी? अच्छा, 70 साल में अगर सही काम करते तो रोड पे घूमने की जरूरत नहीं जरूरत थी जी, बिल्कुल भी जी भाई, ये जब तो घूम रहे थे कुछ काम। अच्छा, ये बताइए बीजेपी ने 8 सालों में इतना क्या बढ़िया काम करा? बहुत काम कर, बढ़िया कर, देखो जी गड्ढे थे जी इस रोड पे जी, बहुत काम करा जी, हाँ जी बहुत काम करा, इतना काम किसी भी रोड से नहीं जी, रोड से महंगाई चाहिए जितनी मर्जी हो जाओ जी, पैसा होगा आपके पास बढ़िया वाला, पैसा चाहिए ना अभी हो जी, मोदी को देंगे जी वोट जी। अच्छा जी, हाँ जी, मोदी सर बढ़िया वाले भक्त लग रहे हैं। हाँ जी पक्का, बिल्कुल एकदम खुल गए जी। ये भक्ति का रास्ता बता दीजिए, भक्ति का रास्ता जी, भैया ये तो सुन लीजिए, मैंने देखा है भक्त लोग जो है ना, मतलब बोलने नहीं देते, आप हूटिंग बड़ी जल्दी करने लगते हैं, थोड़ा बोलने दीजिए मुझे। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं जी कुछ नहीं करता जी, वैसे काम करूँ जी, अपना खुद की दुकान खोल रखी जी। क्या दुकान है? ये जी कुल्फी फलूदे की दुकान है जी। कितना कमा लेते हैं? कमा ले जी, अपने खर्चे के लिए बतरे कमा ले जी। हाँ, कितने पढ़े लिखे हैं? मैं जी 12वीं कर रखी जी। 12वीं कर रखी? हाँ जी। 12वीं करने के बाद आपको लगता था कि आपको कोई रोजगार मिल जाएगा? रोजगार तो अपने हाथ में है जी, अपने हाथ में है जी, कौन सी पब्लिक भूखी मर रही बताओ, अपने हाथ में है जी रोजगार। आपके घर में पैसा है और सब कुछ है तो भूखी नहीं मर रही है? नहीं मर रही। हल्द्वानी में वो लोग कौन है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में घरों पे बुलडोजर चले, आप तो खुश हो रहे होंगे? नहीं नहीं मैम, खुश नहीं हो रहा मैं। अगर मैं दंगा करूंगा तो मेरे साथ में भी गलत होगा जी। दंगा कौन कर रहा है? दंगा जो कोई ईंट मारेगा, ईंट मारेगा जो। एक मिनट, क्या कौन सी टीवी मीडिया देखते हैं, सच बताइएगा? मैं सारी मीडिया देखूँ जी। कौन सी टीवी मीडिया? सब मीडिया देखूँ जी। कौन सी टीवी मीडिया देखते हैं, सच बताइए? न्यूज नेशन, इंडिया टीवी और ये जो न्यूज देखते हैं? आज देखे जी। जी न्यूज देखते हैं? आज तक देखते हैं? आज देखे जी। इसलिए मुझे आप बड़े पढ़े बड़े वाले पत्रकार लग रहे हैं, हम सबकी भी धज्जियां उड़ा देंगे। आपकी धज्जी नहीं उड़ा रहे जी, मैं कह रहा हूँ
जो गलत करेगा उसके लिए गलत होगा जी। हाँ। बुलडोजर भी चलेगा, क्रेन भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। बात बताइए, जुडिशरी सिस्टम बिठाया हुआ है, न्यायालय है, सुनिए मेरी बात, जज है, न्यायालय है, पुलिस है, कमिश्नर है, लेकिन क्या बुलडोजर न्याय है? नहीं, बुलडोजर न्याय नहीं है जी। बुलडोजर न्याय है क्या? बुलडोजर न्याय नहीं है जी। एक बात तो बताओ आप, संविधान में नई धारा जुड़ी है बुलडोजर? नहीं नहीं, वो तो बात आपकी सही है। हाँ? नहीं जा रहा, नहीं जुड़ी जी। पर मतलब अगर कोई गलत करेगा तो गलत तुरंत ही गलत होना चाहिए। अब ये बताओ, पत्थर एक आदमी तो मतलब उसका स्वागत कर रहा है सही तरीके से, एक आदमी पत्थर मार कर ना आदमी को वो कर रहा जी, बताओ। एक बाबा जी है, वो अपनी संसद लगाते हैं जब संसद, ठीक है, अपना जो गीत वीत गाते हैं उसको छोड़ के वो बुलडोजर की बात करते हैं। भैया वो उत्तर प्रदेश के ही हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि भैया जब ऐसा करोगे तो हम भी चाहिए बुलडोजर। अच्छा। तो पक्की बात है कि जो अच्छा। जो गलत करा, अगर मैं गलत करूं अच्छा। तो मेरे साथ में मेरे घर पे भी बुलडोजर चला दो। गलत किसने किया आपको मालूम? आप गलत कहने वाले कौन है? जो पत्थर चलाएगा जी वो गलत ही है जी। गलत आप किस वजह से बोल रहे हैं? गलत इस वजह से आप जस्टिस हो गए हैं। आप जस्टिस, एक मिनट, आप जस्टिस हो गए हैं। हाँ जी, आप जस्टिस हैं, जज हैं आप? नहीं, जजिस नहीं है जी। मैं कह रहा हूँ फैसला सुना देंगे? नहीं नहीं, मैं फैसला नहीं सुना, मैं ये कह रहा हूँ मैं, अगर कोई गला कटेगा तो उसमें फिर वेट थोड़ी करे जाएगा। जो गला काट रहा था आपने देखा, तस्वीर वायरल हो रही थी, बीजेपी का निकला था? नहीं, बीजेपी का निकला जी, जो जो उसमें जो नहीं देखते आप। उसको वहाँ का था जी, वो क्या नाम ले रहा, कश्मीर का था, कौन था जी वो? हाँ, कश्मीर का ही था। हाँ, 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 कश्मीर का था वो। हाँ, उसे मगर बीजेपी के साथ निकला है उसका फोटो, बीजेपी जो है पूरा सपोर्ट देती है सबके साथ। अब तो सही जगह पहुंच गया जी वो, निकला। चलो कोई बात नहीं, नुपुर शर्मा ने बढ़िया बात की थी, बिल्कुल बढ़िया बात करी थी, बढ़िया बात करी थी बिल्कुल। फिर तो वो गायब घूम रही है, इतनी उनके ऊपर याचिकाएं दायर करी, कहां घूम रही जी बताओ? फिर माफी मांगने की नौबत आ गई, माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांटा, वही फटकार लगाई कि इस तरीके से तुम बोलोगी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी जी। तो फटकार लगाई, फटकार लगाई। और जो मतलब जी, आपको नहीं लगता कि नुपुर शर्मा के लिए भी बुलडोजर वाला न्याय होना चाहिए था? नहीं, क्यों होना चाहिए था जी? गलत बात नहीं करी उन्होंने, जो बात उसमें किताबों में लिखी हुई है, कुरान में लिखी हुई है, वही तो बात करी उन्होंने। बताओ, गलत लिखी? आपने कुरान पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़ी। आपने रामायण पढ़ी है? नहीं, मैंने रामायण भी नहीं पढ़ी जी। ना रामायण पढ़ी ना कुरान पढ़ी, फिर भी आप यहाँ पे आके वो सुना रहे हैं? तो नहीं सुना नहीं रहा हूँ जी मैं। हाँ। जो मतलब सच्चाई है वही तो कह रहा जी मैं। चरितमानस तो पढ़ लेते कम से कम। चरितमानस भी पढ़ लेंगे जी, अब पढ़ लेंगे। हाँ, यानी आप बढ़िया टीवी मीडिया के अच्छे वाले मेरे को लगता है वो दर्शक हैं। हाँ जी, अंधभक्त हूँ जी मैं जी। हाँ? अंधभक्त अंधभक्त है। हाँ जी, अंधभक्त। मोदी वोट फिर भी मोदी को देंगे जी। हाँ जी। अच्छा, क्यों जाएगा ये बताइए, खुश क्यों है ये बताइए? खुशी इसलिए है जी, हमारे तरीके से सही काम हो रहा है जी। क्या काम हो रहा है? तरक्की बताइए, पांच काम। अरे रोड होगी जी एक है जी, और सही काम ही हो रहा है जी हमारे साथ। बताइए दूसरा, क्राइम के कहाँ कम हुआ है? रोज आए दिन यहाँ पे रेप केस के आते हैं मामले, इसीलिए तो तैयार कर रखा है जी। एक ही काम अभी तक बताया, दूसरा काम बताइए। दूसरा काम बताओ, और क्या बताओ जी? बताओ जी, नहीं पता। रोजगार, मैंने कहा खाली पांच काम बता दीजिए जो मोदी जी ने बहुत बढ़िया किए हैं। हमारे हिसाब से सारे काम बढ़िया कर रहे हैं जी। बताओ और क्या बढ़िया? क्या बढ़िया? पांच काम नहीं बता पा रहे और बढ़िया किए? बढ़िया किए, रोड बताएंगे। तीन बार रोड बता दिया आपने, रोड हो गया तीन बार रोड। क्राइम वाला राशन तो भैया केजरीवाल जी भी दे रहे हैं वहाँ पे। केजरीवाल ने तो सारे नाश बिठा रखा है। राशन फ्री दे रहे, बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे भैया देश की बात करो ना, वे तो बिजली फ्री दे रहे, वे तो बिजली फ्री दे रहे, फ्री तो केजरीवाल जी भी दे रहे। केजरीवाल तो दे रहे बिजली फ्री। आप पांच काम मोदी जी की बता दीजिए। एक तो रोड हो गया जी, बार बार कितनी सुनो सही, अब सुनो, रोड हो गए पांच, हो गए जी बस रोड। और बताओ और क्या? बस रोड ही किया। जब आप अपने अपने पांच काम कैसे बोल दूंगा, पांच काम नहीं बता पा रहे आप। तो आप गिनवा को सुन ले, कश्मीर में 370 प्लॉट खरीदा आपने? क्या प्लॉट खरीदा कश्मीर में? तो मैम खरीदा नहीं, पर उसके वजह से कितने सारे हमारे सैनिक, छोड़िए प्लॉट खरीद लिया मैम, यदि खरीदने वाले खरीद, अब क्राइम कम हो गया मैम पहले से तो आए दिन रोज जो है वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, गोली चल रही है घरों पे। पहले से क्या? पहले से आप गए कश्मीर? हमने कश्मीर गए, न्यूज में रिपोर्ट देखी कश्मीर पहले अलाउ करने की। मुझे पता है आप न्यूज देख के बोल रहे हैं, मुझे पता है आप न्यूज देख के बोल रहे हैं, मुझे पता है आप न्यूज देख के बोल रहे हैं कश्मीर गए हैं। देखो मैम हमने अब तक की जितना बता दी कश्मीर गए, मैं भी नहीं गया। प्लॉट कटवा लिया,
प्लॉट पर कटवाने वाले मैम कटवा रहे हैं ना, किसने कटवाया? एक प्लॉट नहीं कटवाया वहाँ के, जब यदि जब आंकड़ा निकाला गया ना, एक प्लॉट नहीं, मैं वहाँ पे नहीं गया तो मेरे, मैं यदि ताजमहल नहीं गया तो 370 ये बताइए फिर 370 से क्या बढ़िया हो गया? ब्राह्मण तो अभी भी परेशान हो रहा है वहाँ। मैम ब्राह्मण नहीं परेशान हो रहे, तो उससे बहुत सारे हो रहे हैं, हमारे फौजी को अल्लाह संविधान होगा, सब संविधान हो जाएगा, हो जाए आपके कहने से? हाँ हो जाएगा जी, हमारे कहने से नहीं, तो कर नहीं पाए। मारा ताऊ बैठा मोदी, चीन ने फिर से हमला कर दिया था अभी। चीन का तो डंडे बजा बजा का भगाए मारे मारे हाँ। ना हाँ पहले की वीडियो बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है? पहले की वीडियो है भाई, अगर खबर देखते हैं हाँ जी सुनिए, पक्ष देखते हैं तो विपक्ष भी देखा कीजिए, वो जो वीडियो चलाई जा रही है वो बहुत पहले की है। मैम विपक्ष को तो हम 70 साल से देख रहे हैं, वीडियो पहले की है, विपक्ष तो हम 70 साल से देख रहे हैं, अब तो हमें मोदी सरकार 8 साल हो गए तो आप बता नहीं पा रहे, 5 काम आप बोल लेने देखो, जब देखेंगे जी। मैं बोल पूछ तो रही हूँ, कितनी बार पूछूं भैया, आप बताओ, मैं फिर रोड का बोल दूंगा, रोड एक रोड, रोड दो रोड नुकर रोड के बाद तो आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो बताने दोगे जब तो आप बता दो, सुनो पहले आराम से, रोड हो गया, क्राइम हो गया, 370 होगी, ये छोड़ो और क्या बताओ, युवाओं की बता बात बताओ ना, युवा बताओ, 370 आप जा रहे हैं वहाँ पे, हटा दी सन 370 हटा दी भाई, हटा दी है क्या, कुछ नहीं पता, आप छोड़ो, हटा दी, प्लॉट भी नहीं कटवा पाया, प्लॉट प्लॉट तो कटवा लेंगे मैम, प्लॉट तो कटवा लेंगे, प्लॉट तो कटवा नहीं पा रहे, कटवा लेंगे प्लॉट भी, हाँ जी प्लॉट कटवा लिया, कुछ नहीं अभी तो खत्म होगी, यूं ही खत्म हो रहे, 370 धारा पता है क्या? 370 दोहरी नागरिकता का हुआ है जी, वो जी क्या है दोहरी नागरिकता, एक इंडिया की नागरिकता एक कश्मीर की नागरिकता, अच्छा, जी अच्छा वो है वो 370 जी, अच्छा, वो खत्म अच्छा, कर दी मोदी ने जी, हाँ, दोहरी नागरिकता खत्म कर दी, अच्छा, हाँ जी, तो आपने नागरिकता ले ली, हमें क्या, हमें तो भारत की नागरिकता मिली हुई है, आप भी कनाडियन निकलेंगे, कनाडियन तो राहुल गांधी है, कनाडियन राहुल जी है, और अक्षय कुमार जी जीजा जी हैं, अक्षय कुमार ताऊ है हमारा, ताऊ है हमारा, हाँ जी, कनाडियन नहीं है, हाँ राहुल गांधी कौन कह रहा है इंडियन है, उसकी माँ कहाँ की है, इटली की है, तो बस तो फिर इटली है, तो ये कह रहे ना, आपकी चिड़ बता रही है, चिड़ नहीं बता रही, चिड़ बता रही है, क्या बता रही, चिड़ बताओ, चिड़ है आपको, चिड़ बता रही है आपके अंदर से, 100 की तोड़ 1 है कि मोदी को देंगे वोट जी, मोदी जी छोड़ो, योगी ने क्या काम किया, दिल्ली के बहुत काम कर रखा जी, यूपी के उत्तर प्रदेश के बागपत पे खड़ी हूँ, यूपी के जो योगी जी है उन्होंने क्या काम किया, ये भाई साहब आप रोड पे, मेरे को लग रहा है आप रोड पे, रोड यहाँ जंगल थे जी, कितना जी जी करेंगे, जी जी करते करते बिछ जाएंगे क्या, आज बिछ जाएंगे जी, हाँ जी रोड रोड करते जा रहे हैं आज, रोड के बाद भी तो बोल लीजिए भाई, मोदी सरकार की यात्रा होती आज, मोदी की यात्रा होती तो आज इतना नहीं, पूरा भंडारा पूरा निकलने की जगह, भंडारा नहीं किया इसलिए चिढ़े हुए, भंडारे की बात नहीं है जी, भंडारा नहीं किया इसलिए चिढ़े हुए, भंडारे की बात नहीं है यहाँ से, ये तो पब्लिक सारे किराया, अरे भैया नाराज क्यों हो रहे हो, भंडारा करवा देंगे ना, मैं कह रहा हूं से मैं बोलूंगी भंडारा करवा दे, ये खुश हो जाएंगे, यहाँ तो आए दिन भंडारा हुआ है ना, आज कह रहे भंडारा नहीं करा, कह रहा भंडारा क्योंकि हमें पता था ना हमारे प्रवृत्ति के आदमी नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया, अच्छा क्या नहीं करा, क्या प्रवृत्ति के, कौन आपकी प्रवृत्ति के, एक मिनट प्रवृत्ति तो जानवरों की देखी जाती है कि जानवर इस प्रवृत्ति का, इंसान भी प्रवृत्ति के होने, इंसानों की भी तो देखी जाए, देवी को और असुरी, आपने पढ़ा नहीं क्या श्रीमद् भगवद गीता में, अच्छा है ना, तो उसमें तो लिखी पढ़ी, आपने ग्रंथ पढ़े हैं, हाँ मैम मैंने तो थोड़े पढ़े हैं, सारे तो नहीं पढ़े हुए हैं, एक भी श्लोक सुना दीजिए ग्रंथ का, क्या क्या मैम, रामायण का एक भी श्लोक या किसी रामचरितमानस का, अभियम सत्यम श्याम शुद्धेन ज्ञान योगे व्यवस्थिता है, दानं दमक सत्य यक्षक्ते ज्ञान योगे व्यवस्थिता है, चलो ये तो पढ़े लिखे निकल गए, कितने पढ़े लिखे हैं, मैंने एमए कर रखी है मैम, एमए करी हुई है तभी तो ये देखे, देखो इनसे सीखो, श्लोक सीख रहा नहीं मैं, कोई मैं सीख रहा, पर राहुल गांधी की तारीफ ना करो आप, यहाँ से आ गए, यहाँ तो मोदी सरकार है, मैं भी इसी गांव से हूँ मैम, मोदी की तारीफ कहाँ पे रहते हैं, इसी गांव में रहता हूँ, मेरा नाम रवि है मैम, रवि, तो रवि अब एमए करने के बाद क्या कर रहे हैं अभी आप, मैम मैं एमए करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर का काम सीख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, और एप्लीकेशन मिल रही है, हाँ जो वो मिल रही है मैम, यदि नहीं भी मिल रही है अभी तो मिल रही है, नहीं मैम यदि हम जैसा कर्म करेंगे ऐसा मिलेगा, हमें कर्म की वजह से जॉब मिलती है, बिल्कुल मैम कर्म की वजह से जॉब, बिल्कुल मैम यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा बड़ी बात है कि कर्म आपके अगर अच्छे होंगे तो आपको जॉब मिलेगी, समझ लीजिए आप, और यदि राहुल गांधी के भी कर्म अच्छे होंगे तो ओब्वियसली उन्हें भी मिलेगी पोस्ट, यदि नहीं होंगे तो अच्छे होंगे, अच्छा आप लोग कर्म कांड पे बड़ा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल मैम कर्म कांड पे आप खुद ही बताओ, यदि आप चोरी करने लगे तो आपको क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है जेल मिलेगी, कर्म कांड में बड़ा ध्यान रखते हैं ये, एक बात बताइए, ये जो जितने भी ब्राह्मण हैं या और भी जो भी लोग हैं आप लोग बड़ा कर्म कांड करते हैं आप, नहीं मैम ऐसी बात नहीं, हम तो जो भगवा पहन के रेप कर रहे हैं संत लोग, मैम क्या करेंगे, यदि ऐसा हो सके मैं ब्लैक कपड़े पहन के रेप कर दूं तो ये थोड़ी के मोमडन ने कराई, कपड़ों पे मत जलिए, बताए तो भगवान ने, नरसिम्हानंद
भगवान ने सिर्फ दो कास्ट बनाए थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी है, मोमडन सल्यूट करते किसी ने कहा कि वे खराब है, हमने उन्हें खराब व्यक्ति में तो नहीं कहा। चिनिया मन आनंद का नाम सुना है, उन्होंने रेप किया भैया, रेप किया, रेप तो मोमडन का सजा मिलेगी जरूर जी, मोमडन पे आ गए। मैंने अभी किसकी बात करी, मैंने अभी किसकी बात करी, मैंने अभी किसकी बात करी, यानी आपके अंदर तो भैया मुसलमान और हिंदू है। मोमडन को हम सल्यूट भी करते हैं, मैंने बताया नहीं एपीजे अब्दुल कलाम हम करते नहीं, हमारे लिए मिसाइल बनाई उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी। आपने अभी कर्म की बात की तो जो भगवा पहन के जो रेप कर दे रहा है वो उसमें वहाँ का कर्म कांड कहाँ चला। तो मैम हमें शोर थोड़ी है, वो पहले 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 वो धर्म संसद सजाते हैं और ऐसे ऐसे श्लोक सुनाते हैं, तो फिर जो है रेप करते उसने हैं। मैम यदि गलत काम करा तो उसका उसे जरूर मिला होगा दंड, ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमारी सरकार ने उसे फिर भी बैठा खुला घूम रहा है, उसे सर्च कर रहे हैं मैम, है ना, ऐसी कोई कर रहे हैं आपको पता है। अच्छा स्पेशल स्क्वाड से आपकी सीधा लिंक होगा, आपने शोर आपने पता लगा आपको सीबीआई वालों से सीधा लिंक होगा, आपके पास कोई वीडियो वगैरह है कि उसने करा या प्रूफ हो गया? अरे भाई आप कौन सी खबर देखते हैं, कौन सी मीडिया देखते हैं? मैं कोई सी मीडिया नहीं देखता मैम, बट मैं अपने सामने जो होता है वही देखता हूँ। आप जनितावाद जरूर देखना, ठीक है? ठीक है मैम, जरूर देखेंगे जी। अब ये बताइए आप रोड के बाद तो आगे बढ़ ही नहीं पाए भाई साहब। अजी मैम जी और क्या बताऊँ आपको, 370 हटवा जी, बार बार 370 बोल रहे हैं, 370 के आगे तो चलिए। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, स्थानीय लोग भी थे ये बागपत के, और तमाम लोग जो भारत जोड़े यात्रा के जो यात्री थे वो भी यहाँ पर थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की हाँ धरती पर जो लगातार लोग मुझे मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं, मैंने उनसे बातचीत की यहाँ के स्थानीय लोगों का, तो भैया ये कहना है कि भैया मोदी चाहे कितनी महंगाई हो जाए तो आएगा तो मोदी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जब मैंने काम गिनवाने की बात की, 5 काम नहीं गिनवा पाए सिवाय रोड के और 370 के, तो आप ये देखिए कि कितना लोगों में जो दिखाया जा रहा है टीवी मीडिया पर वो किस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के माइंड पर एक कब्जा किया जा रहा है, किस तरीके से माइंड को जो है भ्रमित किया जा रहा है उनको दिखा दिखा कर। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से लगातार चल रही थी, अब भारत जोड़ो यात्रा अब जो है आगे जा चुकी है। तो इसके साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, उत्तर प्रदेश बागपत।